कई बार के तबसरे पढ़ लें, हिंदुस्तान का टीवी देख लें, वो क्या कहता है पाकिस्तान के मुताबिक, तंज कर रहे हैं। कई बार के तबसरे पढ़ लें, हिंदुस्तान का टीवी देख लें, वो क्या कहता है पाकिस्तान के मुताबिक, तंज कर रहे हैं। मुल्क में जो इस वक्त ताकत में है उन सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, मैं फिर से कहता हूं मुझे खौफ है कि ये उधर पहुंच जाएगा जिधर कोई भी इसको रोक नहीं सकेगा। इंडस्ट्री बंद हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट गिर रही है, जो बाहर से पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं वो कम हो रही हैं। अब इंडस्ट्री बंद होगी तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी, तो क्या इनका सिर्फ इस वक्त तो एक ही है कि कहीं से कर्जा मिल जाए। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है। एक घर जब उसमें मुश्किल वक्त आता है, उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, तो वो क्या करता है? वो अपने खर्चे कम करता है, अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है। हमारी तो आमदनी सुकड़ती जा रही है। तो मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे यह बता दें कि इस दलदल से निकलने के लिए हमारे पास स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन की कोई और प्लान है तो मुझे बता दें, और कोई आपके पास प्रोग्राम नहीं है। इस वक्त सिर्फ प्रोग्राम बना हुआ है कि इमरान खान को बाहर कैसे करना है। फिर से मैं कहता हूं, कोई तो आपके पास प्रोग्राम होगा। एक तेजी से तबाही की तरफ मुड़ जा रहा है। कई बार के तबसरे पढ़ लें, हिंदुस्तान का टीवी देख लें, वो क्या कहता है पाकिस्तान के मुताबिक, तंज कर रहे हैं। आपने याद रखना है कि आपने किसी सूरत जालिम के सामने सर नहीं झुकाना। आपने अपनी आजादी के लिए ये जो खौफ का बुत है इसको तोड़ना है। ये जो पकड़ धकड़ तशद्दुद करना, रेंजर्स ले आए कि जी पुलिस नहीं तो रेंजर्स आ जाए, क्या इससे मुल्क ठीक हो जाएगा? क्या इससे लोग डर जाएंगे? लोगों ने नहीं अब डरना। ये जितना आप ये जुल्म करेंगे लोगों की नफरतें बढ़ेंगी। मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछता हूं कि मुझे ये बताएं कि ये तो वाजे है, आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर लकीर डाली हुई है, हमने जी इमरान खान को जीतने नहीं देना। ये सारा ड्रामा, सब कुछ, इलेक्शन डिले, ये सारा जो मेरे घर के ऊपर वारदात, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मकसद एक है कि इमरान खान को हमने इक्तदार में नहीं आने देना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर चले ना आने दें, लेकिन अपना बताएं कि आपके पास कोई प्रोग्राम है? क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? क्या कोई रोड मैप है? मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इनका कोई ना इनके पास कोई अहलियत है, ना इनके पास नियत है। इन लोगों के तो सारे पैसे बाहर पड़े हैं। ये तो पाकिस्तान से जब मसला आता है ये बाहर भाग जाते हैं।
तो इनके पास अगर आप कुछ समझते हैं कि ये मुल्क को संभाल सकेंगे जिस तेजी से हम नीचे जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होने लगा। तो क्या आपके पास अगर और कोई प्रोग्राम है तो बताएं। अगर आप मुझे आज ये कह दें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, इससे मुल्क उठ जाएगा और इसलिए इमरान खान आपको नहीं आना चाहिए, मैं कहूंगा ठीक है, मैं अपने मुल्क के लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मुझे कोई क्या दे सकता है कोई, तो मैं ठीक है। लेकिन मुझे बताएं कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे पता है किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है।